हेलो व्यूअर्स, ये देखिए फ्रेश हॉट कुकी जो हर कोई बना सकता है घर पे। और ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, इसे आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 110 ग्राम बटर लिया है और उसका घी बना लिया है। अगर आपका घी कभी मानो थोड़ा ज़्यादा कुक हो जाए या थोड़ा ऐसे जल जाए तो भी आप इससे आप कुकी बना सकते हैं। ओनली ऑन माई चैनल रेसिपीज नेचर एंड ब्लॉग। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस बटर को मैंने फ्रीज में थोड़ा रख दिया था ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए, और अभी इसमें मैंने 95 ग्राम शुगर डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया। 95 ग्राम ब्राउन शुगर, क्योंकि ये हमारी ब्राउन बटर कुकी तो इसमें ब्राउन होना ज़रूरी है, और आप सबको पता ही है कि ब्राउन शुगर हेल्दी होती है। इसमें मैंने अंडा डाल दिया है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहिए तो अंडा स्किप कर सकते हैं। अब इसमें प्लेन फ्लावर, कॉर्न स्टार्च और बेकिंग सोडा और नमक, इन सबको मैंने छान लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर इतना स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसमें हमने 200 ग्राम चॉको चिप डाला है और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, आप चाहिए तो इसका रेशियो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। एक बड़े चम्मच की सहायता से हम एक स्कूप ले लेंगे कुकी बैटर का और इसे हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इसे हमें फ्रिज में रख देंगे बेक होने के पहले। फ्रिज में रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये सेट हो जाए। अगर आपको इसे फ्रीज़र में रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, इसे फ्रीजेबल सीलर बैग में डाल के फ्रीज़र में रख के आप कभी भी इसे बेक कर सकते हैं 160 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। आपके ब्राउन बटर कुकी रेडी हो जाएंगे, इससे सब पसंद करते हैं, बड़े भी छोटे भी। ये मेरी बेटी की रेसिपी है और वो ये जब भी बनाती है आई मेक श्योर दैट आई ईट इट। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसकी भी रेसिपी मैंने बनाई है कि बिना ओवन के आप कुकी घर पे कैसे बना सकते हैं, तो ट्राई कीजिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।